अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू यूनाइटेड ऑटो मोटर स्पोर्ट्स बाय उमर अशरफ। हाँ व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जल्द से जल्द हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आप हमारे लकी ड्रॉ के लिए भी एलिजिबल हो जाएं। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे यामाहा 2012 मोटो जी बी एडिशन के बारे में। 2012 का ये मॉडल है, मोटो जी बी एडिशन है और रेड एंड वाइट का बड़ा खूबसूरत कम्बिनेशन है और इसके ऊपर बाइक का नंबर है जी 1437। 2012 के अंदर यामाहा ने 1500 मोटरसाइकिल वर्ल्ड वाइड भिजवाए हैं मोटो जी बी एडिशन के, और ये जो स्पेसिफिक बाइक है इसका नंबर 1437 है। इसके ऊपर ये प्लेट लगी हुई है जो ये बताती है कि 1500 में से 1437वां मोटरसाइकिल जो प्रोड्यूस किया यामाहा ने 2012 में मोटो जी बी एडिशन, वो ये बाइक है। यामाहा R6 आप सब लोग जानते हैं, फोर स्ट्रोक डॉक इंजन विद इन लाइन फोर इंजन होता है। 599 इसके इंजन की डिस्प्लेसमेंट है, 600 cc बोला जाता है इसको। 108 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है और 265 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड करने की सलाहियत रखता है। EFI टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज़ की गई है, रेडिएटर यूज़ किया जाता है फॉर कूलिंग पर्पज़, वाटर कूल टेक्नोलॉजी है, 6-speed रिवर्स ट्रांसमिशन गियर इसके अंदर लगाए जाते हैं। बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया कि यामाहा का सिटिंग पोस्चर इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बिकने वाला जो प्रोडक्ट है 600 कैटेगरी में, दैट इज़ यामाहा R6। और बहुत सारे लोगों ने बोलते हैं जी यामाहा R6 में हीटिंग होती है। यामाहा R6 में किसी किस्म की कोई हीटिंग नहीं होती। दी ओनली थिंग इसके इसका जो फेयरिंग के कट्स हैं वो इस तरीके से हैं कि इंजन की हीट स्ट्रेट आपकी टांगों तक आती है, तो आपको फील होता है कि शायद ये बाइक बाकी बाइकों से ज़्यादा हीट अप होता है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। तमाम बाइकों की तरह नॉर्मल 600 cc इंजन है और पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़्यादा कामयाब है। हाँ, यामाहा R6 आपसे केयर मांगता है हैंडलिंग में, आपने टाइम से इसका ऑयल चेंज करना है। नेवर यूज़ लोकल फिल्टर, ऑलवेज़ यूज़ K&N ओरिजिनल मेड इन थाईलैंड फ़िल्टर यूज़ करें, जो कि इसकी लाइफ को मज़ीद बेहतर बनाएगा। अच्छा ऑयल यूज़ करें, टाइम पे ऑयल चेंज करें और खड़े बाइक को रेफ करने से परहेज़ करें। तो व्यूअर्स, चलते हैं इस बाइक की कुछ डिटेल्स की जानिब। 360 दिखाएंगे, बाइक की डिटेल्स दिखाएंगे और लास्ट में बात करेंगे इस बाइक की प्राइस के बारे में। जी तो व्यूअर्स, ये है इसका फ्रंट व्यू यामाहा R6 का, खूबसूरत क्रिस्टल लाइट्स, हेडलाइट्स, सेंटर में पार्किंग लाइट्स, ब्लैक वाइजर इसके ऊपर दिया गया है और मोटो जी बी एडिशन है। इसके ऊपर इन्होंने कार्बन फाइबर टेप लगाई है जो कि इसके थीम के साथ जा रही है और बड़ी खूबसूरत लग रही है। फ्रंट टायर की अगर बात कर ली जाए तो फ्रंट के ऊपर 120/70/17 का टायर लगाया जाता है। फ्रंट टायर की कंडीशन की बात करें तो फ्रंट टायर की कंडीशन इसकी आई वुड से 70% है। फ्रंट टायर में भी आपको रिप्लेस करने की ज़रूरत पड़े। फ्रंट के ऊपर ड्यूअल डिस्क ब्रेक विद ड्यूअल पिस्टन कैलिपर दिया गया है। अपसाइड डाउन इसके ऊपर शॉक दिए गए हैं। वाटर कूल टेक्नोलॉजी है, रेडिएटर आपको नज़र आ रहा है। इनलाइन फोर होने की वजह से आपको फोर सिलेंडर इसके जो है फोर एग्जॉस्ट नज़र आ रहे हैं और बाइक जो है नीट एंड क्लीन कंडीशन के ऊपर अंदर है। इस पोर्शन के ऊपर, इस बाइक के ऊपर टचअप है, पूरा बाइक जेन्युइन है बट ये पोर्शन टचअप है और स्लाइड टचअप इस जगह के ऊपर है। बाकी बाइक में किसी किस्म का कोई टचअप मौजूद नहीं है और एक थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा निशान है इस जगह के ऊपर। बाकी बाइक के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है मेजर और बाइक अपने टोटल ओरिजिनल पेंट में है, नीट एंड क्लीन कंडीशन के अंदर बाइक है। SC का एग्जॉस्ट इस बाइक के ऊपर इंस्टॉल किया गया है, आप ये देख सकते हैं। SC की फर्स्ट कॉपी इसके अंदर इंस्टॉल की गई है, जो मार्केट में ओरिजिनल करके सेल की जाती है, बट ये एक फर्स्ट कॉपी है। बाइक के इंजन की कंडीशन देखिए, परफेक्ट इंजन, सील कंडीशन के अंदर इंजन है, फ्रेम बिल्कुल साफ़ है, नीट एंड क्लीन है, किसी किस्म का कोई निशान नहीं है।
इसकी स्विंग आर्म की कंडीशन आप देख सकते हैं, साफ सुथरी है। रेयर के ऊपर सिंगल डिस्क ब्रेक विद सिंगल पिस्टन कैलिबर दी गई है और रेयर पे डनलॉप का टायर इंस्टॉल किया गया है, 250/17 का टायर इसके अंदर इंस्टॉल किया गया है। रेयर के ऊपर एक पावरफुल मोनो शॉक दिया गया है और मोटो जीपी की कलर स्कीम आप देख सकते हैं, साफ सुथरी नीट एंड क्लीन बाइक है। रेड और वाइट का बड़ा खूबसूरत कलर कम्बिनेशन है। फ्यूल टैंक की कंडीशन भी आप देख सकते हैं, ये इसके मोटो जीपी एडिशन का इसको स्टिकर लगा हुआ है और इस टैग को अगर आप करीब से देखें तो ये टोटल 1500 बाइक्स प्रोड्यूस किए गए थे जिसमें से 1437 इसका नंबर है, 1437वां बाइक है जो कि यामा ने 2012 में मोटो जीपी एडिशन में प्रोड्यूस किया। बाइक की ये भी इस साइड की भी कंडीशन आप देख सकते हैं, स्विंग आर्म बिल्कुल साफ़ सुथरी है। इंजन की कंडीशन आप देख सकते हैं, नीट एंड क्लीन इंजन है, कोई टचअप बाइक के अंदर मौजूद नहीं है, साफ़ सुथरी कंडीशन के अंदर बेहतरीन कंडीशन का ये बाइक है। लिए चलते हैं आपको इसके मीटर की जाने। व्यूअर्स, 11,545 किलोमीटर इस बाइक की माइलेज है, 11,545 किलोमीटर आपको ये ऑडियो मीटर शो कर रहा है। यहाँ पर आपको ऑडियो मीटर की ऑप्शन दी जाती है, टेम्परेचर की ऑप्शन दी जाती है जिसको फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड में कन्वर्ट किया जा सकता है, आरपीएम की ऑप्शन दी जाती है, किलोमीटर पर आर की ऑप्शन दी जाती है और आपको क्लॉक की ऑप्शन दी जाती है। उसके अलावा इसकी लेफ्ट साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको लाइट की ऑप्शन दी जाती है, इंडिकेटर की ऑप्शन दी जाती है और हॉर्न की ऑप्शन दी जाती है, जबकि राइट साइड के ऊपर आपको किल स्विच की और सेल्फ स्टार्टर की ऑप्शन दी जाती है। जी तो व्यूअर्स, ये देखा आप लोगों ने यामा R6 का कंप्लीट 360, इसकी डिटेल्स, इसका रिव्यू। लास्ट में बात कर लेते हैं इसकी प्राइस के बारे में। 2012 का मॉडल है, अनरजिस्टर्ड बाइक है और इस बाइक की प्राइस हम डिमांड कर रहे हैं 16,50,000 रुपये। डेफिनेटली दिस प्राइस इज़ नॉट फॉर यू गाइस, आप लोगों के लिए स्पेशल प्राइस जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो हमारे पास हमारे व्हाट्सएप नंबर 0321-54-00001 पर हमें रेफरेंस जब देंगे कि आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर हैं तो आपको स्पेशल प्राइस दी जाएगी। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।